मॉर्निंग, जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं बेसिक केवीएल केसीएल और सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके बाद थेवेनिन थ्योरम भी पढ़ लिया है हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं, थर्ड थ्योरम है हमारी, नॉर्टन्स थ्योरम है थर्ड हमारी। बेसिकली कहती क्या है थ्योरम, कि किसी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, अब यदि उसके उस नेटवर्क के किसी भी एलिमेंट में करंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, उसको एक आसान से सर्किट में कन्वर्ट करते हैं जिसमें करंट सोर्स लगा होता है, सीरीज में एक उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट सोर्स हमारा नॉर्टन करंट होता है और ये लोड रेजिस्टेंस है। करंट डिविजन रूल से हम लोड में करंट फाइंड कर सकते हैं, लोड करंट इक्वल्स टू, देखो यहाँ से टोटल करंट आ रहा है और अगर इसमें करंट फाइंड करना है तो इसका रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो अब यहाँ बेसिकली ये बेसिकली जो थ्योरम है हमारी वेरी सिमिलर टू द थेवेनिन थ्योरम, उसमें हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर करंट सोर्स होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, वहां पर हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल होता है, यहाँ पर करंट डिवीजन रूल होता है। ठीक है, अब यदि हम एक इसका प्रोसीजर देखें, करंट फाइंड कैसे करना है, इस IN को फाइंड कैसे करना है, तो सबसे पहला स्टेप है शॉर्ट सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। आप ये कह सकते हो कि इस लोड को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर शॉर्ट कर दो, ऐसे शॉर्ट कर दो ऐसे करके। फर्स्ट स्टेप होता है लोड को हटाना, इसको शॉर्ट कर देना, उसके बाद जहाँ शॉर्ट किया है लोड, ये वहाँ पर हमें करंट फाइंड करेंगे, वही करंट हमारी नॉर्टन करंट कहलाएगी। एग्जाम्पल देख के आसानी समझ में आएगा हमें, ये कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हमें 12 ओम में करंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट स्टेप देखो इसको शॉर्ट कर देंगे हम, देखो हमने शॉर्ट कर दिया है और इस नॉर्टन करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ से भी करंट निकल रहा है, यहाँ पहुँचा तो इधर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट को सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया है, तो सारा का सारा करंट कहाँ जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर KVL लगा देंगे हम, आसानी से KVL लगा कर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो सिंपल KVL लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर देखो ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट है, ऐसे चले यहाँ होंगे -20 + 8IN = 0, -20 + 8IN = 0, तो IN की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20/8, ये IN = हटाना है यहाँ से, ये गलत है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से IN नॉर्टन करंट निकल गया। अब एक होता है नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है RN, सेम प्रोसीजर है RTH निकालने वाला, कि सर्किट के अंदर जितने एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं सबको हटा देंगे हम, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। तो जैसा कि केवल एक वोल्टेज सोर्स था 20 वोल्ट का, उसको शॉर्ट कर दिया हमने, और जहाँ लोड लगा हुआ था उसको लोड को हटा दो यहाँ से, और यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। यहाँ से हम देखें अगर इन दो टर्मिनल्स के बीच टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से कोई करंट चला वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, 8 ओम की तरफ चला गया, 10 ओम की तरफ चला गया, और ये करंट 10 ओम में गया, वही करंट 14 ओम में रहा हमारा, तो 14 और 10 तो सीरीज में हो गए, और ये 24 और 8 हो गए हमारी पैरेलल में, तो 24 × 8 / 24 + 8 ये आ गया हमारा RTH, या इसको हम RN भी कह सकते हैं। सॉल्व करेंगे 6 ओम वैल्यू आएगी इसकी। ओके, तो IN भी निकल गया, RN भी निकल गया, फॉर्मूला पुट करो, IN × RN / RN + RL, वैल्यू आ गई हमारी 0.83 लोड करंट की वैल्यू। तो ये हमारा खत्म हो गया है, नॉर्टन थ्योरम हमारी इस तरीके से खत्म हो जाती है। अभी आगे हम सारी थ्योरम्स का रिवीजन एक बार करेंगे हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर ही, और एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तीनों थ्योरम्स का इस्तेमाल करके, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है ना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम थ्योरम्स स्टार्ट करते हैं, प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इसमें जो हम थ्योरम डिस्कस करेंगे, बेसिकली तीन थ्योरम्स का डिस्कशन आज हम करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को हिंदी में हम अध्यारोपण प्रमेय भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी थ्योरी को कवर अप करेंगे एक एक थ्योरम की, उसके बाद थ्योरी खत्म होने के बाद थ्योरम्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, तो ये थ्योरम बेसिकली कहती क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, तो उस नेटवर्क के किसी भी एलिमेंट में यदि हमें करंट फाइंड करना है, तो इस थ्योरम के अनुसार ये थ्योरम बोलती है कि किसी रेखीय परिपथ के किसी शाखा में कुल धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य करते हुए उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी एक स्रोत का योगदान निकालने के लिए अन्य स्रोतों या सोर्सों को हम हटा देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं उनके आंतरिक प्रतिरोधों से,
उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, और जिन स्रोत को हम हटाते हैं, सोर्सेस को हटाते हैं, अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उस वोल्टेज सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स मानते हुए उसको हम शॉर्ट करते हैं, और करंट सोर्स को आइडियल करंट सोर्स मानते हुए उसको ओपन करते हैं, क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो जीरो होता है, और एक आइडियल करंट सोर्स का, धारा स्रोत का, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए उसको हम ओपन सर्किट करते हैं, खोल देते हैं। तो समझ में आया होगा ये इसकी जो स्टेटमेंट है, एक बार और दोबारा से देखते हैं हम एक आसान भाषा में। इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई कॉम्प्लेक्स एक जटिल परिपथ है जिसमें कई सारे एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और किसी रेजिस्टेंस में इस थ्योरम के अनुसार यदि हमें करंट निकालना हो, तो उसके लिए वो जो करंट होगा वो उन करंट्स का, उन धाराओं का बीजगणितीय योग होगा जो कि निकाले जाएंगे अलग अलग सोर्स को अकेले अकेले मानते हुए। एक टाइम में एक सोर्स को मानेंगे हम, लेंगे सर्किट में, और बाकी सोर्सेस को हम रिप्लेस कर देंगे उनके आंतरिक प्रतिरोध से। आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस करने का मतलब एक्चुअली है क्या, एक वोल्टेज सोर्स को, एक जो हमारा वोल्टेज स्रोत है उसको हम एक आइडियल मानते हुए उसके इंटरनल रेजिस्टेंस माना जीरो से रिप्लेस करते हुए शॉर्ट करेंगे, और एक करंट सोर्स को हम उसको आइडियल मानते हुए उसके इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हुए उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। ये बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है। अगर हम बात करते हैं थेवेनिन थ्योरम की, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इसमें ये बोलती है कि इसके अनुसार वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत एवं प्रतिरोधों से निर्मित किसी भी रेखीय परिपथ का इसके किन्हीं दो सिरों के बीच व्यवहार या रेस्पॉन्स एक तुल्य वोल्टता स्रोत VTH एवं तुल्य प्रतिरोध RTH के श्रेणी क्रम के द्वारा निरूपित किया जाता है। समझो जरा बात को, ये कहना क्या चाह रहा है कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक कॉम्प्लेक्स परिपथ है जिसमें किसी भी एलिमेंट में यदि हमें रेजिस्टेंस निकालना है, जिसे हम लोड बोलते हैं, करंट निकालना है जिसे हम लोड बोलते हैं, तो उस करंट को निकालने से पहले हम ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये हमने माना है ब्लॉक में दिया हुआ है, इसको एक इक्विवेलेंट, एक तुल्य नेटवर्क में, एक परिपथ में बदलेंगे। देखो इतने परिपथ में बदल लेंगे इसको हम, इस वाले में जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा, एक टोटल वोल्टेज सोर्स लगा होगा जिसे VTH बोलते हैं, और उसके सीरीज में एक टोटल रेजिस्टेंस लगा होगा जिसे RTH बोलते हैं। तो ये एक्चुअली है हमारी थेवेनिन थ्योरम। अब यहाँ जो लोड लगा हुआ था ए और बी के बीच, इसको एज इट इज हम अपने इक्विवेलेंट जो आपका नेटवर्क बना है उसमें हम इस लोड को लगा देंगे। अब यदि हमें इसमें करंट निकालना हो तो सिंपल हमें साफ साफ दिख रहा है ये RTH और ये RL, ये RL लोड रेजिस्टेंस और जो आपने RTH फाइंड किया है, ये दोनों सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया RTH और RL, RTH प्लस RL, टोटल वोल्टेज VTH है। तो इसमें यदि हमें करंट फाइंड करना है तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो इस तरीके से हम थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करके किसी भी नेटवर्क में करंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस थ्योरम में बेसिकली VTH और RTH कैसे निकालते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके स्टेप हैं, हमने स्टेप लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान दो। अगर हमें VTH फाइंड करना है, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप है वो कहता है कि जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना होता है उसको हम लोड बोलते हैं, उसको सर्किट से पहले हम हटा देते हैं, लोड प्रतिरोध को परिपथ से बाहर कर ओपन सर्किट करते हैं, ठीक। उसके बाद जहां से हमारा ये लोड रेजिस्टेंस हटाया वहां पर हमें ओपन टर्मिनल्स मिलेंगे, उन टर्मिनल्स के बीच हम ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करेंगे जिसे हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं। ये कह रहा है अब किरचॉफ का नियम लगाकर जो हमने रेजिस्टेंस जो हटाया था वहां पर जो ओपन टर्मिनल्स बने हैं उनके बीच वोल्टेज निकालो, वही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम KVL से काम चल जाएगा हमारा निकालने के लिए, देखेंगे क्वेश्चन जब हम, तो हम KVL का इस्तेमाल करके ही ये वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। अब जो ये RTH है, ये RTH जो है फॉर्मूले में, RTH को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप सेम है, लोड जो है जिसमें करंट फाइंड करना है उसको सर्किट से अलग हटाओ, ओपन करो। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जितने भी एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं उस परिपथ में, उस नेटवर्क में जितने भी एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, एनर्जी सोर्स माना वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, उनको भी हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, जैसा हमने सुपर पोजिशन थ्योरम में देखा कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। अब जो हमारा पहला स्टेप था जहां से हमने लोड को हटाया था वहां पर जो ओपन टर्मिनल्स बने थे उनके बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध निकालेंगे, और वो टोटल रेजिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाएगा, RTH कहलाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये तरीका है RTH फाइंड करने का। अब हम यदि नॉर्टन थ्योरम की बात करें तो नॉर्टन थ्योरम भी काफी हद तक मिलती जुलती है थेवेनिन थ्योरम से, बस वोल्टेज सोर्स की जगह यहाँ पर करंट सोर्स आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या बोलती है कि ये कॉम्प्लेक्स एक जटिल परिपथ है जिसमें एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, और उसमें यदि किसी भी एलिमेंट में यदि हमें करंट निकालना हो, रेस्पॉन्स निकालना हो, तो हम सबसे पहला काम होता है इस जटिल परिपथ को बदलते हैं हम
नॉर्टन परिपथ में, देखो इतना जो है ये करंट सोर्स और ये नॉर्टन रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है हमारा नॉर्टन परिपथ। तो जब हम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को नॉर्टन परिपथ में बदलते हैं तो उसमें हमारा केवल केवल और केवल एक नॉर्टन करंट आता है, उसके पैरेलल में एक नॉर्टन रेजिस्टेंस आता है। तो इसके स्टेटमेंट को यदि हम पढ़ें हिंदी में, इसके अनुसार वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत एवं प्रतिरोधों से निर्मित किसी भी रेखीय परिपथ, लीनियर बायलैटरल सर्किट होना चाहिए, रेखीय परिपथ का इसके किन्हीं दो सिरों के बीच, किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच जहां लोड लगा हुआ है, जो व्यवहार है, जो रिस्पॉन्स है, एक तुल्य धारा स्रोत IN नॉर्टन करंट एवं तुल्य प्रतिरोध RN नॉर्टन रेजिस्टेंस, जो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है, के समांतर क्रम के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये समझ में आया होगा, यहाँ पर जब हम इस परिपथ को, इस नेटवर्क को, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को नॉर्टन नेटवर्क में चेंज कर देंगे, चेंज कर दिया, और लोड को जहां लोड लगा हुआ था वहीं लगा देंगे। अब यदि हमें लोड में करंट फाइंड करना है, यदि हमें लोड में लोड करंट फाइंड करना है तो सिंपल करंट डिवीजन रूल लगाओ, यहां से टोटल करंट IN नॉर्टन करंट आ रही है, यहां पहुंची, दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक यहां एक यहां। अब यदि हमें नॉर्टन करंट फाइंड करना है तो टोटल करंट, करंट डिवीजन रूल से टोटल करंट इनटू नॉर्ट, ये रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अगर दो ब्रांच में करंट डिवाइड हो रही है तो टोटल करंट, इसमें यदि हमें निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस RN अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RN प्लस RN, देखो IN नॉर्टन करंट इनटू RN, यहां RL नहीं लेंगे, ये इसमें निकालना है बट ऊपर लेंगे हम RN अपॉन RN प्लस RL, ये फॉर्मूला है हमारे लोड करंट का नॉर्टन थ्योरम के अनुसार। अब नॉर्टन करंट बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे, नॉर्टन करंट को फाइंड करने का तरीका क्या है, पहला स्टेप है लोड प्रतिरोध को परिपथ से बाहर करेंगे, ओपन करेंगे, जो भी टर्मिनल्स ओपन होंगे, जैसे लोड हटाओगे टर्मिनल्स ओपन होंगे, उनको क्या कर देंगे हम शॉर्ट कर देंगे, उन टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब जो टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हमने किए हैं उन टर्मिनल, उस शॉर्ट सर्किट ब्रांच में अब किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ का नियम लगा लो, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, कुछ भी ला सकते हैं हम, देखेंगे क्वेश्चन में। अब किरचॉफ का नियम का अनुसार प्रयोग करके शॉर्ट सर्किट धारा निकालते हैं, जहां आपने टर्मिनल्स को शॉर्ट किया है, जहां से आपने लोड हटाया था वहां आपने शॉर्ट किया था टर्मिनल्स को, उन टर्मिनल्स के बीच में करंट फाइंड करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट करंट फाइंड करेंगे, और वही शॉर्ट सर्किट करंट क्या कहलाएगी, हमारी नॉर्टन करंट कहलाएगी। नॉर्टन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेम प्रोसीजर है, नॉर्टन रेजिस्टेंस हमारा इक्वल होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस के, तो सेम ही प्रोसीजर हुआ, लोड को हटाओ सर्किट से, टर्मिनल्स ओपन हुए, अब जितने भी एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को ओपन कर दो। तीसरा स्टेप, जहां से आपने रेजिस्टेंस को हटाया था वहां पर टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध फाइंड करो, वही आपका नॉर्टन रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये तीन थ्योरम्स हो गई हमारी, सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, तीनों को हमने देखा ध्यान से। अब इन तीनों थ्योरम्स को और ढंग से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट करेंगे हम सुपरपोजिशन थ्योरम से अध्यारोपण प्रमेय का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करा है, 10 ओम जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें हमें करंट फाइंड करनी है, करंट का मान निकालना है अलग अलग प्रमेयों का प्रयोग करके, जो पहली है हमारी अध्यारोपण प्रमेय है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। देखो जी, सुपरपोजिशन थ्योरम को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ जिससे समझ में आ जाए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। इस थ्योरम के अनुसार हम, हमारा जो एक, देखो सबसे पहला एक कंडीशन है कि सर्किट के अंदर एक से ज्यादा एनर्जी सोर्स होने जरूरी है। देखो हमारे पास है यहाँ पर एक 50 वोल्ट का है, एक 10 एम्पीयर का करंट सोर्स है, 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 10 एम्पीयर करंट सोर्स, तो हम इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कहती क्या है थ्योरम, इसमें हमने लास्ट टाइम अभी स्टेटमेंट ऊपर पढ़ा था, ये क्या बोलती है कि एक सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम एक टाइम पर, वन टाइम वन सोर्स, एक समय पर एक सोर्स लेंगे, उससे करंट निकालेंगे, फिर दूसरे सोर्स को लेंगे, उससे करंट निकालेंगे, दोनों जो करंट आएंगी उनका बीजगणितीय योग कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे, वही फाइनल आंसर होगा। तो पहले स्टेप में हम वोल्टेज सोर्स को ले लेते हैं जी, जो वोल्टेज सोर्स है ये वाला 50 वोल्ट, इसको हमने मान लिया है, और करंट सोर्स को हटा देते हैं। करंट सोर्स को हटाते कैसे है सीखा हमने, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। तो देखो हमने करंट सोर्स जो लगा हुआ है 10 एम्पीयर का, उसको हमने ओपन कर दिया, यहां से हटा दिया, तो हमारा ये सर्किट बना। अब इस 50 वोल्ट की वजह से इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है, पहले स्टेप में ये फाइंड करेंगे, हमने उसको मान लिया जी आई डैश फ्लो कर रहा है, अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई डैश, यहां तो जाएगा नहीं, ये ओपन है, यहां तो कोई करंट जाएगा नहीं, यहां से जो 50 वोल्ट से करंट निकलेगा सारा का सारा कहां जाएगा, इस यहां आउटर लूप में फ्लो करता रहेगा ऐसे करके। इसमें यदि हम KVL अप्लाई करते हैं बाहर वाले लूप में, तो हम यहां से मूव करते हैं -50 आगे जाएंगे। देखो KVL के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं एक छोटी सी चीज, जो हमारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, जब हम KVL लगाते हैं किसी लूप में, तो उस लूप में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन रेजिस्टेंस के ऊपर हम पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। पोलैरिटी मार्क करते कैसे हैं, हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है, करंट हमने माना हुआ होता है, करंट की डायरेक्शन के अनुसार हमें पता है करंट ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाता है,
तो देखो जैसे यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ज्यादा किधर होगा, इधर होगा, कम किधर होगा, इधर होगा रेजिस्टेंस में। तो इधर प्लस मानेंगे, इधर माइनस मानेंगे, ऐसे इधर प्लस मानेंगे, इधर माइनस मानेंगे, ऐसी 10 ओम में ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे और जो बैटरी या सोर्सेज दिए हुए हैं उनके प्लस माइनस हमें देख कर पता लग जाता है। जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो प्लस होता है, छोटा माइनस होता है। देखो हम ऐसे मूव करते हैं केवीएल लगाते समय, ऐसे मूव किया, हमारे सामने माइनस आया, हमने लिखा माइनस, माइनस 50, देखो लिखा माइनस 50। फिर आगे मूव किया, आ गया प्लस, करंट को यहां से जाना है तो प्लस यहां होगा, प्लस 20 इंटू आई डैश, 20 आई डैश। आगे मूव किया प्लस 30 इंटू आई डैश, फिर प्लस 10 इंटू आई डैश। सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरा लूप कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन बन गई माइनस 50 प्लस 20 आई डैश प्लस 30 आई डैश प्लस 10 आई डैश इक्वल टू 0। तो ये 60 आई डैश हो गया, इसको इधर ले जाओ 50, तो आई डैश की वैल्यू आ गई हमारी 5/6। तो फर्स्ट स्टेप में जो करंट निकला वो निकला वोल्टेज सोर्स की वजह से 5/6। अब हम करंट सोर्स को ले लेंगे सेकंड स्टेप में, जब केवल करंट सोर्स उपस्थित है तो वोल्टेज सोर्स को हटा दिया। वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं भैया, शॉर्ट कर दिया है, सिंपल शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस करंट सोर्स की वजह से इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो देखना है। सबसे आसान तरीका क्या है, यहां से करंट निकला, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, यहां और यहां। अब यदि हमें इस 10 ओम में करंट फाइंड करना है, करंट आ रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट डिवीजन रूल लगा दो। करंट डिवीजन के नियम से टोटल करंट आया, इधर निकालना है, तो टोटल करंट इंटू निकालना है इस वाली ब्रांच में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, इंटू अपोजिट क्या है 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 20 प्लस इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, इसका क्या है 30 प्लस 10 40। तो 10 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 20 अपॉन 20 प्लस जिसमें जिस ब्रांच में निकालना है उसका रेजिस्टेंस 40। तो 200/60 10/3। आई डबल डैश की वैल्यू आ गई करंट डिविजन रूल से 10/3 एम्पियर। तो सेकंड स्टेप में हमने 10 एम्पीयर की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इस 10 ओम में वो 10/3 है। अब जो हमारी सुपर पोजिशन थ्योरम कहती है अध्यारोपण क्रम में कि भैया जो दोनों करंट निकाले हैं आप लोगों ने, उन दोनों करंट का बीजगणितीय योग कर दो, एल्जेब्रिक सम कर दो। हमने दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दिया, दोनों की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, दोनों में करंट नीचे फ्लो कर रहा था, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आई डैश 5/6, आई डबल डैश 10/3। इसको सॉल्व करा 25/6, 4.16 एम्पीयर। तो जो करंट फाइनल जो आंसर आया हमारा, जो करंट फ्लो कर रहा है 10 ओम में, सुपर पोजिशन थ्योरम से सॉल्व किया, उसकी वैल्यू आई 4.16 एम्पियर। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे, थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेम है, तरीके अलग अलग हैं, आंसर मैच करना चाहिए, सारी थ्योरम्स का आंसर मैच करना चाहिए। तो थेवेनिन थ्योरम का पहला स्टेप होता है वीटीएच फाइंड करना, कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच। देखो वीटीएच फाइंड करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन था, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें थेवेनिन थ्योरम लगानी है और वीटीएच फाइंड करना है। तो वीटीएच फाइंड करने का पहला स्टेप जो मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले सर्किट से लोड को हटा दो। देखो ऊपर देखते हैं, मैं एक बार याद दिला देता हूँ आप लोगों को, जो वीटीएच निकालते हैं हम क्या क्या कहता है, लोड प्रतिरोध को परिपथ से बाहर करो, कर बाहर करने के बाद जो टर्मिनल्स ओपन बचेंगे वहां किरचॉफ का नियम लगाओ और वोल्टेज निकालो, वही वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो पहला स्टेप है लोड को हटाओ, लोड का मतलब जिसमें करंट निकालना है उसको हटाओ। तो हम पहले स्टेप लगाएंगे और 10 ओम को सर्किट से हटा देंगे थेवेनिन थ्योरम में। देखो हमने हटाया होगा यहाँ से, हमने 10 ओम को जैसे ही हटाया हमारे टर्मिनल्स ओपन हो गए। अब सेकंड स्टेप में कहता है कि ओपन टर्मिनल्स के बीच क्या निकालो, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो, ये वोल्टेज निकालो, वही आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो निकालते हैं, देखो कैसे करते हैं, हमें यहाँ दिख रहा है साफ साफ एक 10 एम्पियर का वो करंट सोर्स है। अब ये जो 10 एम्पियर करंट है, जब ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पहुंचा, क्या इधर जाएगा, नहीं, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, तो सारा का सारा 10 एम्पियर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे करके ये करंट ऐसे फ्लो करता रहेगा हमारा ऐसे करके। अब करंट इधर से इधर जा रहा है, तो इसको हम प्लस मानेंगे, प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है, प्लस इधर माना माइनस इधर माना। अब देखो मूव करो आउटर लूप जो है, सबसे आउटर लूप, इसमें केवीएल लगा दो, यहां से मूव करो माइनस वीटीएच, आगे जाओ यहाँ, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है, तो ये तो हमारी बेकार की ब्रांच होगी, इसको नहीं लेंगे, आगे चले हम, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे प्लस, प्लस 20 इंटू 10, देखो 20 इंटू आई लिखा है, आई की वैल्यू 10 है, 20 इंटू आई, नीचे प्लस आया सामने, प्लस 50, खत्म। देखो ऐसे मूव करा पूरे लूप में, एक बार दोबारा बताता हूँ आप लोगों को मैं, माइनस वीटीएच, आगे मूव करेंगे, इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा यूजलेस ब्रांच होगी, इसमें करंट ही नहीं है, आगे जाओ, प्लस 20 इंटू आई, नीचे आओ, प्लस 50 इक्वल टू 0। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 10 है, क्योंकि 10 एम्पियर ही यहां से आया और इधर चला गया, तो आई और 10 दोनों सेम है, आई की वैल्यू रख दो यहाँ पे 20 की जगह, तो माइनस वीटीएच प्लस 200 हो गया ये, प्लस 50 इक्वल टू 0, तो वीटीएच इक्वल टू 250 वोल्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा सब लोगों को, 250 वोल्ट। सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच। देखो आरटीएच के मैं स्टेप्स आपको बताता हूँ, आरटीएच में क्या कहता है कि पहला स्टेप होता है कि लोड को हटाओ जी, लोड रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा दीजिए, हमने हटा दिया 10 ओम,
दूसरा स्टेप है सर्किट में जितने भी सोर्स लगे हुए हैं सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को ओपन कर दो, सेकंड स्टेप भी लगाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, ओपन टर्मिनल जो हमारे बने पहला स्टेप लगाने पर जो ओपन टर्मिनल्स बने वहां टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वही आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। देखो यही काम करते हैं हम यहाँ पे। देखो जी पहला स्टेप लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था यहाँ पे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स लगा हुआ था यहाँ पे, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, और जो यहाँ लोड लगा हुआ था 10 ओम का उसको भी हटा दिया। पहला स्टेप लोड हटाओ, दूसरे स्टेप में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो। तो ये हमारा सिंपल सर्किट बन गया। अब जहां पर हमने पहला स्टेप लगाकर ओपन किया था यहाँ टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वही आपका RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। दिख रहा है साफ साफ 30, यहाँ से 30 और 20 इसमें सीरीज में है तो 30 + 20 50 ओम, ये आ गया हमारा RTH। अब जो आपकी फॉर्मूला है सिंपल हमारा थेवेनिन थ्योरम का, लोड करंट इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL, VTH वैल्यू 250 निकली हमारी, RTH वैल्यू 50 निकली, लोड रेजिस्टेंस जिसमें करंट निकला 10 है, तो 250/60 सॉल्व किया 4.16। जो आंसर हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम से आया था वही आंसर थेवेनिन थ्योरम से आया है, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को यदि नॉर्टन से सॉल्व करते हैं, देखो जी नॉर्टन का क्या है, पहला स्टेप देखेंगे नॉर्टन का, तो उसमें हम नॉर्टन करंट फाइंड करेंगे। पहले स्टेप में कहता है कि भैया लोड को हटाओ, देखो यहाँ लोड लगा हुआ था 10 ओम का, लोड को हटाओ और जहां से हटाएंगे वहां पर उसको शॉर्ट कर दो। फिर हमने इसको शॉर्ट कर दिया, देखो ऐसे शॉर्ट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में हम नॉर्टन करंट फाइंड करने के लिए लोड को हटाकर वहां उन टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं, और जहां पर हमने शॉर्ट किया है वहां पर करंट फाइंड करते हैं, वही आपकी नॉर्टन करंट कहलाती है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से लो, ये 10 एम्पीयर करंट यहां से दिख रहा है हम लोगों को, यहां 50 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज सोर्स है, माना 50 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से करंट आई जा रही है। देखो जी ये 10 एम्पीयर भी तो है यहां पे, अब ये 10 एम्पीयर यहां गई, आई इधर से आया, 10 एम्पीयर इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा 10+I। बस इतनी सी बात करनी है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये काम कर लिया जिस बच्चे ने वो आराम से इसको सॉल्व कर लेगा। 10 इधर से आ रही है, आई इधर से आ रही है, तो 30 ओम वाली जो ब्रांच है इसमें 10+I करंट है। अब लगा दो KVL, देखो करंट ऐसे मूव कर रही है ऐसे करके, तो यहाँ प्लस रखेंगे हम, यहाँ माइनस, ऐसे ही 30 के लेफ्ट साइड में प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ तो माइनस प्लस हमें दिख ही रहा है। अब मूव करो, ऐसे मूव करते हैं, सामने माइनस आया -50, आगे चलो प्लस 20 × I। देखो KVL मतलब वोल्टेज इक्वेशन है, तो रेजिस्टेंस के साथ करंट की मल्टीप्लाई होगी तभी होगी वोल्टेज इक्वेशन, वो V × I V = IR, तो 20 × I, आगे 30 × I, I कितना है यहाँ पे 10+I, 30 × 10+I, पूरा लूप कंप्लीट हो गया ऐसे करके। तो इक्वेशन बनी ये -50 + 20 × I + 30 10 × I = 0। सॉल्व करेंगे -50 + 20 I अंदर मल्टीप्लाई करो, 300 + 30 I = 0, तो 50 × I 50 हो गया, 20 + 30 50 × I = ये 300 में से -50 गया 250, इधर जाके हो गया -250, तो I की वैल्यू आ गई -5 एम्पियर। जो करंट I है, ये जो करंट है, इसकी वैल्यू आई -5 एम्पियर। देखो सर्किट से हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ सर्किट से दिख रहा है जो करंट नॉर्टन करंट है उसकी वैल्यू क्या है बेसिकली, देखो 10+I ही फ्लो कर रहा है ऐसे करके यहाँ, और हमें यही करंट फाइंड करना है, तो 10+I ही किसके बराबर है, हमारे नॉर्टन करंट के बराबर है, तो नॉर्टन करंट की वैल्यू है 10+I, और I की वैल्यू -5 है, तो I की जगह -5 पुट करा, नॉर्टन करंट की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। स्टेप सेकंड, नॉर्टन रेजिस्टेंस, जो हमारा तरीका थेवेनिन रेजिस्टेंस का था वही नॉर्टन रेजिस्टेंस का है। लोड को हटाओ, एनर्जी सोर्सेस को हटाओ, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो, और यहां से जो रेजिस्टेंस निकलेगा वही नॉर्टन करंट नॉर्टन रेजिस्टेंस होगा। पहला स्टेप रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस हटाओ, सेकंड स्टेप में सोर्सेस को हटाओ, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो, और यहां का जो इन टर्मिनल्स के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वही नॉर्टन रेजिस्टेंस है। तो यहां से दिख रहा है 30 और 20 सीरीज में, 30 + 20 50 ओम आ गया हमारा ये सिंपल। और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे नॉर्टन थ्योरम का, लोड करंट इक्वल्स टू टोटल नॉर्टन करंट इनटू नॉर्टन रेजिस्टेंस अपॉन नॉर्टन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। नॉर्टन करंट की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर पुट कर दो। नॉर्टन रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम आया, ये 50 ओम पुट करो अपॉन 50, सॉरी ये माइनस नहीं प्लस है, प्लस 10, लोड रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 50 + 10 = 60 हो जाएगा हमारा, तो 250/60, ये भी आंसर 4.16। तो तीनों यहाँ पे थोड़ा ये माइनस की जगह प्लस है, इसको ध्यान रखना बस। तो हमने तीनों थ्योरम से एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और आंसर हमारा तीनों का सेम आया है, तो आई थिंक सभी को ये क्लियर हुआ होगा थ्योरम्स, और काफी इंपॉर्टेंट है। अब तो फर्स्ट ईयर की सभी ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा है, और सभी ब्रांचेस में ये टॉपिक भी है हमारा थ्योरम्स का। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।